अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना है कि तुम सारे वालों सो मैं लुकमान अली सुन तक ने यूट्यूब चैनल पोठा शेर टीवी। हां जी भैनो भ्रावो चाचो बुजुर्गो, अज तुसें की पता कि भाई अज दा ये दिहाड़ा है बड़ा खास दिहाड़ा है। अज दे दिहाड़े विच बहुत कुछ होने वाला है। 11 मई है, अज सब काफले सब रासी मुजफ्फराबाद है पर रासा इस टाइम जुले हैं डडियाल तक ने कह कुछ सूरतलात बनी है तुसें दसने हैं। तो असा इस काफले विच जाने का प्रोग्राम ऐसी है पर एक दो वजह बनी गई जिन्होंने वजह तो फिर अस ना जा सकते। और बाकी कोर्ट गल शेयर कर सा कि डडियाल यानी जितने भी कश्मीर ने साफी आए उन्होंने भी पाकिस्तान खबरों तो बायकाट करना चाहिए, पाकिस्तान खबर नहीं लानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जितने भी सोशल मीडिया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दो बंद आवाज़ उठाई है कश्मीर पर, बाकी सब सुते हुए सब तो पीर है। कश्मीर वाले कोई बंदा कौन ही बोलिया। और इस अलावा इंशाल्लाह जी भी अगर अपडेट वाएगी उसकी लाजमी को चेक थी और अज की अपडेट तक लाजमी देनी है 1 जुलाई चौक में उस तो बाद बुरी पलाक पुल पर। हाँ जी भैनों भ्रावो चाचियो बुजुर्गो, इसने पहुंची है जी पलाक पुल पर जो कुछ बंदे जमा होने भी बल्ले बल्ले होने भी से सोचा पलाक पुल पर जुड़े जाए उधर तुम सुतला दसी जाए क्या कुछ जमा सुतला पर इधर आया इधर भी जाए इधर बंदे नहीं आए पर इतनी सारे इतनी अच्छे से कट्ठे हो सन और इस तू बाद मुझे तो कट्ठे हुई अगे ना सफर शुरू होती है। बाकी इस साइड ठीक होगी पुल पुल अजीब है कि कौन कोई खास जो बंदे जमा हुए बस पुछने उठे मोटर पे। और दूसरी गल यह है कि अज ये तो क्या कि सारी रोड वेरान है कोई कुका गड्डी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नजर सके बाकी सब इस जी बंद है। और इस अलावा सारे दोस्त भी आए थे भाई माधव माता पिता वो भी आने का पुछने पे। तो बाकी अगर जो कुछ होना वो तुम्हें दसने अज ने दिहाड़े में क्या कुछ हो रहा लाया वीडियो तो सब पूरी तकड़ी है। तैयार हो साथियो इंशाल्लाह जो माने सुभान पासन निकलना भावे 2 या 4 या 10 या 50 या 100 या अस निकल सा कफन जो बदे तो इंशाल्लाह बदे आ सिर्फ अस इंतजार करना कठाड़ वाले साथी इसने पेनो नजदीक अच्छे तो अस निकल सा इंशाल्लाह तैयार रहो बस निकल सा और 10-15 मिनट तक मां मैं बाप से गुजारिश है कि आज 11 मई का दिन है जिस दिन का इंतजार आप सब लोगों को था। आज वो बुनियादी हकूक जिनके लिए ये तहरीक पिछले 7-8 माह से मुसलसल जारी थी आज वो फैसले का दिन है। आज के दिन आप लोगों ने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना है और मैं तवक्को रखता हूँ क्या थोड़ी देर बाद इस मकबूल बादशाही चौक से काबला पलाक की जानब रवाना होगा। मैं तमाम इमाम से गुजारिश करूंगा कि जिस हालत में भी हूँ आपके पास गाड़ी है मोटरसाइकिल है जो भी है नहीं भी है तो आप हर सूरत पलाक तक हमारे साथ चलेंगे। और हमने वादा किया था लोगों हमारा वादा था कि हम इस तहरीक को चला बख्शेंगे रास्ते की रुकावटों को हटाएंगे। हमारी कोशिशों की पुलिस रोकती है हम पुलिस के उस जवाब रोकने के जवाब देंगे रास्ते बंद किए पत्थर उठाए सब कुछ करेंगे लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखेंगे। इस रास्ते में ये गिरफ्तारियां कोई मानी याद रखो कि हमारे अमल के लफ्ज को कमजोरी ना समझना हमारे अमल के लफ्ज को बुजदिली से ताबीर ना करना हमारे अमल के लफ्ज को तरबूज के लफ्ज से ताबीर ना करना। और तुम भी याद रखो हम मोहब्बत के साथ चलेंगे अमन के साथ चलेंगे लेकिन तुम अगर
मारेंगे, तुम एक पत्थर पर गिराओगे तो 100 पत्थर तुम्हारी तरफ जाएगा। लेकिन आखिरी बात कि हम पूरा मन लोग हैं, बुजदिली भी नहीं दिखानी, जुरत के साथ जीना है और जुरत के साथ चलना है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं लोगों कि मैं माजी के एक मसाल सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। क्या आज से 2 साल पहले 5 जुलाई को मुजफ्फराबाद के अंदर दरियाल की नुमाइंदगी करने के लिए हम 2 नौजवान दाखिल हुए थे। अब प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मार्च की क्यादत करना चाहते थे। तो यहाँ आपके शहर के वो 2 नौजवान, एक अरसलान राजा और दूसरा सईद चौधरी था, और वहां की सरकार इतनी खौफ सदा कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पाए थे तो हमारे दोस्तों को गिरफ्तार कर दिया और उस रैली की हमें क्यादत से महरूम कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, 2 दिन जेल के अंदर बंद करके और 3रे दिन हम 4 दोस्तों को मुजफ्फराबाद बंद कर दिया गया और कहा गया कि तुम 3 माह तक मुजफ्फराबाद की धरती के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और मैंने कवाला के मकाम पर वीडियो पैगाम के जरिए कहा था कि याद रखो मुजफ्फराबाद, अगर मास्टर बेड के लाइन की पिछाड़ गया त्रप्पड़ के लिए सो खड़ा सिरा मारो, इंशाल्लाह असा अपनी जान दे सा नबी का गंजारी ना होने दे। इसका रिश्ता कोई नहीं करती, अगर एक पिछाड़ सी दुआ जैसी नाजन कश्मीरी सामने आ गया, अगर ये सारा टू सी आगे लग ठीक है, अगर इसकी शाखा से नहीं यार मैं और बजा दी सिगेट चौकी खर्ची और और आई साइड पर यह चक्री खड़ो आवाम वास्ते मुश्किल की गई है कोटली वाली मेन रोड, बाकी पीछे भी यह सिस्टम किया गया और आई साइड भी सकता कि तुम नजर आई रहा वह धुप्पे नहीं भी है, बाकी छकड़ा कभी छकड़ा आया। बाकी अगर ये पुल है, इस पुल पर आवाज वास्ते काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की गई है। जुले दसने कि तुको जी अपनी आवाम वास्ते इन्ना कितनी मुश्किल करने पे और अगर आई गई थोड़ी जी पैदल टूरी क्योंकि मोटरसाइकिल तो पीछे खिलाना पे अगर फिर पैदल ही इसमें सी है। तो अगर आया मस्जिद तो और अगर बंद किताबा ने और तू साफ लाइक नवा वास्ते काफ़ी मुश्किल की गई है। और आई साइड पर तकी कि सारे हिफाजत करने वाले जरा कि अपनी हवाओं वास्ते आपू राह बंद करने पे कम बड़ा रिस्की जाया अगर जाना में तुम की दसने इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर से। और आई साइड पर तकी कि हवाओं वास्ते मुकम्मल राह बंद है और बाकी आई अगली साइड पर राह बंद किया गया पर लाइट है। और इस अलावा जो कोटली मेन रोड जा रही है इसे काफ़ी ज़्यादा राह बंद किए गए ताकि आवाम जा ही ना सके। हाँ जी भैनों भ्रावो चाचो बुजुर्गो जब तुम तक उसी है रात तुम्हें दसिया बंद है। और बाकी आई साइड पर राजधानी पोठा जा ना आवे और इस अगले पुल है बड़ा बुरा बंद किया बड़े, बाकी तू जल्दी निकलना पे सी है। और आई साइड पर तकी करो जी एमरजेंसी है, एम्बुलेंस भी आएगी भी है
बरल ना कि इस गल्ला घर की कौड़ी जरा सारा बजे रहा समय उसकी शर्म जा भी कौड़ी अवामी राज जिंदाबाद आ गए जी लड़ियाला ने बाकी जी अवामी राह खोली दी है तो इस तू बाद मुड़ी हूँ अगला काम शुरू हो सी है वो तुम दसने उसके बाद जो लाया अमल यहाँ से दिया जाएगा हम तो उस पर अमल करेंगे। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो पीछे सुजुकी के पास चल छोड़े जी तकी अब छोड़ने पे बड़ी